दोस्तों, अगर आपको 8,000 रुपए के अंदर एक अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए जहां पे आप लोग नॉर्मली डे टू डे यूज में जितना सारा काम होता है आराम से कर पाओ, तो जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा 5 स्मार्टफोन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलेगा, अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा आप लोगों को प्रोसेसर भी मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को डे टू डे यूज में जितना सारा काम होता है नॉर्मली आप लोग आराम से कर पाओ। तो एक चीज मैं आज कह देना चाहता हूँ पहले कि आप लोगों को आज जितना सारा मोबाइल फोन दिखाऊंगा तो 15 से 20 हज़ार का जो मिलता है उससे उसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलते हैं। 8,000 के अंदर जितना सारा मिलेगा आप घर पे यूज कर सकते हो, फोन आएगा जाएगा और उसके साथ छोटा मोटा फोटोग्राफी कर सकते हो, जो सामने का ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे कैमरा पे प्रोफेशनल लेवल का कुछ नहीं मिलेगा, आपको काम चलाने वाला सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो जितना सारा फोनों को मैंने चूज किया हो सारे को आप परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट से, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी जिन 5 स्मार्टफोन को मैंने चूज किया हूं तो वहां पे क्या क्या फीचर्स मिलता है सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, सारा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके 5 स्मार्टफोन को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं देख लेते हैं, तो जरूर आपका काम का वीडियो है अगर आपको 8,000 के अंदर एक अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिल जाएगा रैम एटलीस्ट 3 GB होना चाहिए, क्योंकि 3 GB से अगर कम होगा तो आजकल के डेट में फोन कुछ काम का नहीं बचता है। सेकंड, एक बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट प्राइस आपको 8,000 या 8,000 से कम ही मिलेगा आप लोगों को। और नेक्स्ट, एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रोसेसर होना चाहिए जो डे टू डे यूज में बहुत ही काम का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस स्मार्टफोन को पिकअप किया है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है पोको C51। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस स्मार्टफोन का नाम मैं लेना चाहूंगा, दिस इज नोन एज पोको C51। पोको C51 बहुत ही एक अच्छा खासा फोन है और ये आज का डेट में अगर आप फ्लिपकार्ट में चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 7,250 रुपए में, आप लोगों को मिल जाएगा 7,250 रुपीज में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा फीचर जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 4 GB रैम, 64 GB रोम, 6.52 इंच यहाँ पे HD+ डिस्प्ले मिलेगा, हेलियो G36 प्रोसेसर, 5000 mAh का स्ट्रॉन्ग बैटरी आप लोगों को मिलेगा और अच्छा खासा यहाँ पे रिजोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, 1600x720 pixel का रिजोल्यूशन आप लोगों को मिलता है। यहाँ पे मेन पीछे का जो कैमरा है यहाँ पे 8 MP का रियर मेन कैमरा मिलता है और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सारा रेटिंग्स देखोगे यहाँ पे कैमरे का, बैटरी का, डिस्प्ले का या डिज़ाइन का, ठीक ठाक यहाँ पे रेटिंग्स आप लोगों को मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस फोन, आप लोगों को ज़रूर परचेस करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जिस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे, दिस इज इन्फिनिक्स स्मार्ट सेवन। तो यहाँ पे आज का डेट में अगर फ्लिपकार्ट में अगर आप इसका प्राइस चेक करोगे तो 7,299, मेरा कहने का मतलब है 7,300 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फीचर्स देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 4 GB रैम मिलेगा, 64 GB रोम मिलेगा, 6.6 इंच HD+ डिस्प्ले मिलेगा, 6000 mAh का एक स्ट्रॉन्ग बैटरी आप लोगों को मिल जाएगा, 13 MP का, 13 MP का मेन कैमरा मिलेगा पीछे का और 5 MP का सेल्फी कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1612 1612x720 720 pixel का एक बढ़िया रिजोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 60Hz रिफ्रेश रेट भी आप लोगों को मिलता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस फोन जो फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था पोको C51। यहाँ पे पांचों फोन ही बहुत एक से बढ़कर है, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू सम फीचर्स आप लोगों को चूज करना है। तो मैं तो पांच ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगा। तो ये था इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 का सारा क्राइटेरिया, सारा फीचर्स। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही बढ़िया फोन का नाम लेना चाहेंगे, दिस इज कॉल्ड मोटोरोला E13। सो यहाँ पे आज का डेट में इसका प्राइस है 7,499, मेरा कहने का मतलब है 7,500 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। यहाँ पे आप लोग देखिए 4 GB रैम मिलता है, 64 GB रोम मिलता है, उसके बाद 6.5 इंच यहाँ पे LCD जो नॉर्मल 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा, मेन रेयर कैमरा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 13 MP, उसके बाद 5 MP का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटरी एंड रिजोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 1600x720 pixel का रिजोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। सो मोटोरोला E13 बहुत ही पॉपुलर और मार्केट में सक्सेसफुल एक फोन है। नेक्स्ट 4 नंबर पे जिस फोन का नाम है यहाँ पे Samsung Galaxy M04। आज का डेट में अगर आप फ्लिपकार्ट पर चेक करोगे तो आपको प्राइस यहाँ पे दिख जाएगा 7,948 रुपीज़। तो 8,000 से नीचे आप लोगों को मिल जा रहा है फ्लिपकार्ट पर। तो फीचर्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 GB रैम मिलता है, 64 GB रोम मिलता है, 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाएगा,
13 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, पीछे 2 कैमरा है और सामने 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। उसके बाद भी यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी, यहाँ पे 1600x720 पिक्सल का रिजोल्यूशन आप लोगों को मिलता है एंड मीडियाटेक हेलियो P35 प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाएगा जो डे टू डे यूज में बहुत ही बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट लास्ट जिस फोन का नाम है यहाँ पे लेना चाहेंगे नाम, दिस इज नोन एज रियलमी C11 2021। सो दिस इज अ वेरी नाइस फोन और इसका अगर प्राइस चेक करोगे तो 7499, तो राउंड फिगर में 7500 रुपये में आप लोगों को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को मिलता है यहाँ पे 4GB रैम, 64GB रोम, 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5000 mAh बैटरी एंड 1600x720 पिक्सल रिजोल्यूशन एंड 60Hz रिफ्रेश रेट। सो रियलमी C11 बहुत ही एक बढ़िया फ़ोन है। तो जिन 5 स्मार्टफोन का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हो तो पोको C51, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 एंड मोटोरोला E13, नेक्स्ट जो दो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M04 एंड रियलमी C11 सबसे यहाँ पे एक से बढ़कर एक फ़ोन है। आप लोग कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, डिज़ाइन सारा को अगर आप सबका रेटिंग चेक करोगे तो आप लोगों को बढ़िया यहाँ पे क्वालिटी का आउटपुट आप लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने प्राइस को भी आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए। दिस सेगमेंट इज अंडर 8000। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल था और चैनल पे नए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।